राजधानी भोपाल में 30 मार्च से 1 अप्रैल तक कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 31 मार्च को शामिल होंगे और पीएम नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को शिरकत करेंगे। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल सिंह चौहान भी शामिल होंगे। तो पहली बार कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस दिल्ली के बाहर हो रही है। फ्यूचर वॉर से निपटने ब्लूप्रिंट को लेकर रणनीति बनेगी। वहीं एमवीएम कॉलेज ग्राउंड में बोफर्स गन, शक्ति मिसाइल सहित कई आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। तो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 30 मार्च से 1 अप्रैल तक। राजधानी भोपाल में सेना के साहस, पराक्रम और शक्ति का एक डिस्प्ले किया जा रहा है और खास तौर से 3 दिवसीय वर्कशॉप में यदि बात करें तो फौजी मेला का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो देश की ताकत है, चाहे वो फोर्स टैंक की बात हो, शक्ति मिसाइल हो, ब्रह्मोस हो, तथा अत्याधुनिक रडार डॉपलर जैसी अत्याधुनिक जो हथियार हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ तीनों सेनाओं का बैंड की प्रस्तुति भी होगी। और खास तौर से माना जा रहा है कि जो इस तरीके से देश भर के अलग अलग जो कमांड सेंटर्स हैं वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनका एक सम्मेलन होगा, जिसमें 31 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो 1 अप्रैल को समापन कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वॉर स्ट्रेटेजी पर चर्चा की जाएगी। साथ ही तमाम जो अलग अलग कमांड सेंटर्स हैं उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वाकई देश की ताकत, शक्ति और सौर को सलाम करने तीनों सेनाओं के जो सेना प्रमुख हैं, CDS, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।